जय जगन्नाथ प्रार्थना टीवी रो बादीपाला मंच को आपण मानको समस्त को स्वागत। आज बादीपाला मंच रे आम गहन रे दुई जन लोकप्रिय पालाकार पाला गायक उपस्थित अछंती। जणे हेउछंती गायक भास्कर विजय कुमार पंडा बड़ झाड़ पारिकुद सर नमस्कार। नमस्कार। एवं आउ जणे हेउछंती गायक सुधाकर केदारनाथ कर हरिचंदनपुर पुरी सर नमस्कार। नमस्कार। ए उभय जे बादीपाला प्रसंग परिवेषण करिवे से प्रसंगर नाम होउछि नहुसंक प्रेतात्मा मुक्ति। नहुस मुक्ति प्रसंग परिवेषण करिवे उभय एवं आपण माने एही नहुसंकर चरित्र श्रवण करिवे। महाभारत रे नहुसंकर कथा अछि, वेदरे मध्य नहुसंकर नाम उल्लेख अछि। सेही नहुस प्रेत हेले केमिति उद्धार पाइले नि केमिति काहेकि आउ केमिति उद्धार पाइले एहा एक रहस्यमय कथा आमे शुणिबा। आज प्रथम पाळी रे आम गहणरे अछन्ति गायक भास्कर विजय कुमार पंडा, से आपणंकु प्रथम पाळी पाला परिवेषण करि शुणैबे। सत्यनारायणकर प्रीत्यर्थरे बोल मन आनंद एक बार हरि हरि बोला। आज्ञा शक्ति विश्ववंदनिया विश्वजननी झंकरवासिनी शारदांग प्रीत्यर्थरे बोल मन आनंद एक बार हरि हरि बोला। सत्यनारायण सर्वस्मिनी काले उक्त प्रार्थना चैनलर समस्त कर्मकर्ता मानकर तथा मोर गुरुकल्प श्रीयुक्त पद्मनाभ त्रिपाठींकर एवं दर्शन पाला पर दर्शन करुथिबा ओडिसार आबाल वृद्ध वनिता मानकर श्रीमन्नारायण मनभीष्ट पूर्ण करंतु। बोल सर्वे आनंद एक बार हरि हरि बोल। जत्र क्षेत्रं पवित्रं विलसत् शीत रुक् मित्र गात्र स्यः नेत्र गोत्रा जत्रा त्रिमात्रा तदवयव श्रुत्वा दीपवत्या विचित्रा स्ता पदस्थापित निज जनता देवता सन्ति नित्या मर्त्या स्मार्ता स्मरार्ता हरि चरण रता उत्कलस्तु करिघ्न। जत्र क्षेत्रं पवित्रं ए पुण्य भारत वर्षरे सबुठारु श्रेष्ठ क्षेत्र होउची सर्वे सांगमपी क्षेत्रणां क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम सर्वे सांगमपी देवानां देव श्री पुरुषोत्तम। सेई पुरुषोत्तम क्षेत्रर अधिपति जगतरनाथ जगन्नाथ आजिर एई बादीपाला मंचरे उपस्थित थिवा आमर उभय दल पालाबाला तथा मोर गुरुकल्प श्रीयुक्त पद्मनाभ त्रिपाठी महोदय तथा समस्त कर्मकर्ता एवं ओडिशार अगणित भाई भौणी मानकर सेई जगतरनाथ जगन्नाथ सर्वरिष्ठ खंडन करी आशीर्वाद प्रदान करंतु। बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। रसराज रासे स्वर
दुखी सोना আজি বিষয়বস্তু হচ্ছে নহুষ প্রেতাত্মা মুক্তি মো সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পাই আসিছন্তি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ করমহোদয় তেণু আমি বর্তমান সেই নহুষ মুক্তি সম্পর্কে পালা পরিবেশন করিবা লেখিলে সে ইয়ে নহুষ নন্দ চন্দনরে চড়ি ইয়ে করে ধরি ধনুষ সজন সর্বপ্রথমে আচ্ছা আমি গোটে রাজ্যর কথা কহিবা রাজ্য কথা এ রাজ্যটি হচ্ছে আপনমানকর চির পরিচিত হস্তিনা কটক হস্তিনা কটক এ হস্তিনা কটকর আচ্ছা শোভাকু বর্ণনা করিবা পাই যাই বাস বাস আপনমানকর কবি কবি ব্রজনাথ বড়জেনা হ্যাঁ অম্বিক বিলাসরে আচ্ছা অনুপ্রাসরে গোটিয়ে পদ কহিলে গোটিয়ে পদ কলে অমূল্য তর ত্রিপুর মধ্যে আউ অতি নিচ দেউ আগর অতি নিচ
ब्रजनाथ ब्रजेना अंबिका विलास रे सुंदर भाव रे हस्तिना कटकर वर्णना करुछन्ते अमूल्यतर आगार तुले गारिबा कुगार नाहीं तो तीनी एगार भुवने केही तीनी एगार कोले चौदह भुवन मध्य रे हस्तिना कटकर राजा प्रसाद सहित तुलना करिबा पाई आउ तुलनीय नगर नाहीं अछि विपरस्तिपुरी ठारु सप्तपुरी परिजन्ते दीमला कोठा ठारु आरंभ करि सप्तमला कोठा पर्यंत अछि कोले अति नीच जेऊ आगार जो घरटा सबुटु सान अमर अधिपरु से अमूल्यतर अमर अधिप अमर करे देवता तांकर अधिप होचन इंद्र इंद्र भुवन ठारु अधिक हस्तिना कटक ए हस्तिना कटक राजा होचंती आपण मानकर जजात जजाति प्रजानु रंजन राजा अच्छा किमिति का राजा किमिति किमिति लिखिले आपण मानकर महाकवि कालिदास अच्छा बही हला आपण मानकर कुमार संभव कुमार संभव पर राजा देखिबा को किमिति किमिति हां कोले बिढरस्क वृषस्कंद ए साल प्रांसुर महाभुज समदेह ये छात्र धर्म मिबाश्रित महाकवि कालिदास कहिले बिउढ़ रस्क वृषस्कंद वृषस्कंद विशाल पक्ष बस बस वृषव भली स्कंद स्कंद साल प्रांशु महाभुज महाभुज साल वृक्ष भली अच्छा लंबा देखा जाउचंती महाभुज महाभुज यही अच्छा मु मोर सान भाई को पाई गोटे प्रश्न रखी बास बास रख जजाति भुज को कहीं कहगला साल प्रांश महाभुज 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 कहार अच्छा कालिदास कौन लक्ष्य था कहीं से महाभुज कहले सान भाई आसिले अच्छा ये प्रश्न उत्तर देवे अलेख आपण मानक राजा होचंती जजाति जजाति ए जजाति राजा देखिवा पई अत्यंत सुंदर सुंदर प्रजानु रंजन राजा बस बस ओडिया पदटिए लेखिले आपण मान कवि सूर्य बलदेव रथ बलदेव रथ बही आपणकर हला चंद्रकोला बस ए राजांकर बाहुबल केमिति छिला बस बस कोले अमरंक तुले अमर करिबा अमरंक तुले अमरंक तुले समर करिबा सामरथ पणतार कवि सूर्य बलदेव रथ कहिले देवता मानक सहित युद्ध करिवार शक्ति हासिल करिचंती आपण मानक राजा जजात ए जो राजा जजाति अच्छा अच्छा धराबक्ष रे ग्रीष्म ऋतु आरंभ हेची अच्छा राजा जजाति शिकार करिबा उद्देश्य रे जंगल अभिमुख रे जीवाकु बाहरिचंती सजन ए ग्रीष्म ऋतु ला केमिति धराबक्ष को आसीची आसीची गोटे पद अच्छा लिखिले आपण मानकर दीनकृष्ण दास बही है आपण मानकर रसकल्लोल रसकल्लोल टे नजर दिए अच्छा सान भाई मंचपुर को आसिले यही भाया पद दे कि आईबो ना कला क्रमे
ओडिया पदटिए अच्छे लेखिरे आपण मानकर भक्त कवि दिनकृष्ण आसो दिनकृष्ण बही रस करलोळ बस बसमंत ऋतु परे परे धरावक्षरे पदार्पण करची ग्रीष्म अर्थ को संपूर्ण भाव रे व्याख्या करिया पय आम पाकरे समय नाही ना ए प्रबल ग्रीष्म ऋतु रे अच्छा गोटिए पद पद गाईली गोटिए श्लोक अच्छा श्लोक भिडियो न ए ग्रीष्म ऋतु केमिति आसी जेमिति आसी कवि कवि आपण मानकर महाकवि कालिदास बही हला ऋतु संहार बस लिखिले प्रचन्न सूर्य ये श्रोणीय चंद्रमा सदा बोगा ये क्षेत्रवारी संचय ये दिनांत रम्या ये रूप शांत मनमथ ये निदाघ काल समुपागत ए ग्रीष्म ऋतु आगमन रे राजा जजाति आपण मानकर जंगल मध्ये जाई भ्रमण करूचंती करूचंती ए जंगल आजी राजा पई कोन करी कोन करीछि आपणकर नारी कवि अफरना बस बस बही हला इंदुरेखा इंदुमती अच्छा से कोन कहले हां धीरे बोले साळो पिया साळो देव दारू ताळो साळो पिया साळो देव दारू ताळो आउ मान होई पंती पंती अरे मान शिक्षित वृक्षराज सते जेमिति राजा जजांति की स्वागत करूचंती साळ पिया साळ वृक्ष गुडीक सते जेमिति छत्री टेकी सूर्य तापरु राजांकर रक्षा करूचंती रक्षा करू ए भली वर्तमान राजा जजांति आपण मानकर घंच जंगल भितरे शिकार करबा उद्देश्य रे जाईचंती जाईचंती गोटिए श्लोक लेखिले आपण मानकर नागानंद जंगल रानी केमिति स्वागत करी स्वागत करू बोले मधुरमि बवदन्ति ये स्वागतं भृंग शब्दै ये नतिमीम फल नम्रै ये पूर्व तिभि शिरोभि ममन्द दात्री वार्धं ये पुष्प वृष्टि किरन्त ये कथं अतिथि सपर्या ये शिक्षित साक्षी नपि आपण मानकर नागानंद नाटक श्रीहर्ष सुंदर भाव रे वर्णना करले राजा जजांति की आपण मानकर स्वागत करूचंदी वनराणी एमति किछि बाट अतिक्रम गला परे हठात एक विचित्र दृश्य तांकर दृष्टि गोचर वर्तमान एई राजा कोण देखिले अच्छा एक छाया मूर्ति हठात राजांकर दृष्टि गोचर हेला चमकि पड़िले राजा जजांति हठात के जंगल भितरे ये छाया मूर्ति कहारो कहारो यही कथा चिंता करूथिला बेले आम को समय इशारा देलानी आम यही की सानो भाई को पाई जागा छाड़ी की जीवा भाई मन रखी जीवो बेस बेस प्रश्न टिए मु तंगु देई देई महाकवि कालिदास कहिले साल प्रांशु महाभुज महाभुज एठी काहि की तांकर जजातिंकर भुज को महाभुज कोहा गला कोन तार सामुद्रिक लक्षण अछि भाई आसीले कहियो कहिबे हौ पतित पावन बाना आउ केते अकुहे पतित पावन बाना आउ केते अकुहे आउ भासी गली भव जळे भासी गली भव जळे भासी गली भव जळे भासी गली भव जळे नाबदीय कुल कुहे पतित पावन बाना आउ केते एथिरे आपण मानक मनरे निश्चय गोटे प्रश्न उठिथिबो राजा जजाति किए तांको बापा किए को वंशर से राजा एवं सुनिछंती राजधानी हस्तिनापुरी किंतु से केउ बनरे बिहार करूथिले समय थिला ग्रीष्म ऋतु से बनर नाम कोन तांको वंशर नाम कोन तांको पितांकर नाम कोन एवं से कोन देखिले छाया मूर्ति तहा आमे परवर्ती पर्याय रे बा द्वितीय पर्याय रे श्रवण करिबा द्वितीय पर्याय रे पालामंच को आमंत्रण करिबा गायक सुधाकर श्रीयुक्त केदारनाथ करमहोदन जय जगन्नाथ स्वामी की।
नारायण श्री चरणे मन रे कर वंदना नारायण श्री चरणे मन रे कर वंदना नारायण श्री चरणे नाग से जे से बुझंती नाग से जे से बुझंती आज जागो सिंधु आज से स्थिर चिन्हय विश्व परात्मर नारायण अच्छा ए प्रार्थना चैनल रो समस्त कर्मकर्ता महोदय मानंकर गुरुकल्प त्रिपाठी महोदयंकर बस तथा ओडिशा रो ए चैनल को उपभोग करथुवा समस्त मातृस्थानीय भग्नस्थानीय माहुणी मानंकर समधर्मी सममर्मी युवबंधु कलाकार महोदय मानंकर ए भारतवर्ष रो समस्त दुख जंत्रणा विनाश करि उत्तरोत्तर उन्नति वर्धन करंतु बोल सर्वे प्रेमानंदे आनंदे कबार हरि हरि बोलो बंधुगण आज आम पाई अच्छी प्रेतात्मा मुक्ति नहुसंक प्रेतात्मा मुक्ति आमर बड़ भाई गायक भास्कर विजय कुमार पंडा महोदय करी तो आसिले किंतु जंगल नाटा कहले ना 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 हिमालय पाददेशर दैत्यवन पार्श कामियों वन जहाँ कहा जाए से जंगल को राजा जा बुलवापी हे तो प्रचंड ग्रीष्म ऋतुर प्रकोप रे संभाली न पारी राजा माने जानती मृगयाख दिवा स्वप्न मृगया उद्देश्य रे भी जंगल को जांत आज आपण मानकर जजाति राजा जंगल उद्देश्य रे परिभ्रमण करू करू जंगल रो अपरूप शोभा संपद को दृष्टि रे आनी वाणु हठात कवि सम्राट भंजंकर गोटे पद मन पड़ जाए कले बह इने रे झर 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 बिरहत बह इने रे झर सत रंग रंग रंगेणी शोभितर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कहले झरणा कुलकुलनाद प्रवाहित झरणा पार्श्व देश वृक्ष मानक सुंदर सुंदर रंग रंगीणी फूल गुड़ाक पड़ी से पानी रे भासी 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 शोभा को अवलोकन करी राजा जजात भाईना मो प्राई गोटे प्रश्न अच्छी शाल प्रांशु महाभुज सुंदर प्रश्न टे तेबे आपण मानकर सामुद्रिक प्रमाण दे इठी उत्तरटा देदेबा तापर आमर पुणी विषय वस्तु को जीवा विषय टे हला जपद्म लोचन छत्र ध्वज वज्रांगितांग्रिया चतु हस्त सोहस्तेन शाल प्रांशु सहुच्यते कले शाल प्रांशु आमे कहा कहिबा महाभुज जह पद्म लोचन छत्र जे राजकीय परिवार जन्म हब ज पद्म लोचन छत्र आखि गुड़ाक पद्म लोचन भले देखा पद्म सदृश छत्र ध्वज वज्र आंगुठी चिन्ह थी चतुहस्त सोहस्तेन आम मानक हाथ तीन हाथ चाखंड अटक कि राजकीय परिवार जी जे राजा हम तार हाथ चारि हाथ विशिष्ट लंबा थी आप सामुद्रिक प्रमाण मु वर्तमान उत्तर देदेसी महाभुज ये चारि हाथ लंब हेबारु राजवंशर जन्म लाभ करू तेणु तर महाभुज बोली आख्या दि जाऊ से जजाति राजा आनंद मन में बुलू बुलू जजाति राजा राजा आखि सम्मुखे अनति दूर प्रेतात्मा जन ठिया प्रेतात्मा को संदर्शन करने पचारे राजा जजाति हे महाशय आप किए हे महा किए कहीं आज मो सम्मुख दंडायमान प्रेत ये उतार उत्तर दे कले प्रेत बोलइब चहना प्रेत बोलइब चहना सुण रे जो ज्ञानंदा
अष्टम वर्ष बाल प्रतिम से रही वरण्य संत समाज प्रेत आज उत्तर देले जजाति मु कई नुह मु तो बापा नहुस हाथ को जोड़े जजाति कहले बापा आपण मुक्ति लाभ करना ना पु मु मुक्ति लाभ कर कारण उपयुक्त पुत्र जी से बापा माँ को उद्धार करे बस उपयुक्त पुत्र किए के कहले पुत नामक नरक उत्तरायत इति पुत्र हो से संसार को आसला परे बाप माँ को संसार भितर सेवा करे पु आज तो आम दुर्लभ पु बाप को पचारूनी आम ये संवाद देवा ये संसार भितर पु बापा को पचारूनी माँ को पचारूनी योग्यतम संतान केमिति हो कहला जीवंते वाक्य करण मृता है भूरी भोजन पिंड दान श्रिभी पुत्र से पुत्र तीनटा गुण थिले पुत्र पद बाच्य हब वरण्य संत समाज तीनटा गुण कौन ना जीवंते वाक्य करण पु जन्म है बाप माँ मला पर्यंत कथा मानिकी चल किंतु ताहा आज कलिजुगर तो हो पारुनि तथापि अभिराम परमहंस करमला मठर सुंदर भाव में कहले कहले पिता पुत्र जो उद्देश्य रे पुओटे चाहिथिल पुओटा जन्म हेला परे हम कथा मानि चलिबो बुढ़ा बयस रे हम उटे सेवा करिबो बाप मां करे ई जो आशा आकांक्षा हे तो आज बिलीन हो जाउची हे संत समाज पिता माता ठारु बड़ देवता के स्वर्ग राई जे नाही तांकोरी आशीष सहायक आसिना मोर तू तोरी बापा प्रत्यक्ष देवता होती बापा आओ माँ आम यही चिंताधारा करवा जो बाप माँ चलती देवता पदार विंदर तादर सेवा अर्चना जी करे तार कौन अभाव असुविधा आज रही हूँ तो से दिन नहुस डाकिले बोले जजाति एकम्र पुत्र तेज मुझे गुणवान पुत्र कितु मु उधार हो पार जजाति हाथ जोड़ीदे कहले बापा उधार है ना कहीं ना मनीष जीवन में गोटे आशा करापर जदि से आशाटा तार पूरण न हुए से लोक मलापर प्रेतात्मा घूरी बोले जदि तार वंशधर कई से आशा को पूरण कर दिए से कामटा को करदिए तेब प्रेत आत्मा शुद्धि लाभ करे उधार पाई जाए यही उद्देश्य कहले नहुस कहले मु आशा करी मन भितर नरमेध यज्ञ कर दुर्भाग्य कर पारे मो आत्मा चलीगला मु विनाश प्राप्त हो गल तेरे जदि तू यज्ञ कर तेरे मो जीवन निश्चित भार मो प्रेतात्मा उधार पाए पचारे जजाति कहले बापा ये यज्ञ केमी हम कहले प्रेतात्मा कहले जड़े नरमेध यज्ञ करने ब्राह्मण सतान टे बोली पड़े आश्चर्य कहले ब्राह्मण सतान पुणी आठ वर्ष रही से पु आसिक जदि यज्ञ कुंड रे बळी पड़ तेबे मो आत्मा आज सद्गति लाभ कर संत समाज अड़ुआ पड़गले आपण मान राजा जजात कारण भागवत आज आपर कहले स्वतंत्र भाव प्रच्छन्न भाव कहले नारी गर्भिणी शिशुबद्ध गोविंद पापों मध्य प्रमाद राजा मन कर गोटे विराट प्रश्नवाची सृष्टि आठ वर्ष बालक निश्चित भाव जड़े ना बालक जड़े शिशु को बद्ध करवा महाघोर पाप ये पापरु
mu bapakku udhar koribi na mu puni papare padibi pes cinta magna hi gale raja jodati aha jangala bhitara apara parsare dekhile ek santhankara darshana aha Baba jinkara darshan labha kale apana manankara jodati pes bosichanti dhyana rato Mundo bhitare bapankara katha acha pratatma eti kahi chali gala pore ghuri buluchanti jangala bhitare eko baba jinkara sandarshan kale acha roha baba jinkara darshan kala pore santhankara darshan kale aneko punya phala milithae tenu santhankara darshan kari pada tole padi gale aji jodati dakile jodati mu janichi tame hastinar samrat acha kuho Tomara mukho moli na hichi kahi 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 dale jodati aja kole mo bapa e porjonto mukti labha kori nahanti nara medha kole nara medha yajna re 8 barshara bali padiba kotiye puo se puo mo bapa ku udhara karibo e kotha kebe sambhav hei paribo na 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 बाबा जी कहले व्यस्त होनी समय कहिबो समय अनुसार निश्चित भार परिपूर्ण होबो तमे वर्तमान राज्य को जाई एको था राज्य रे आलोचना करो जाओ राज्य को फेरु चंदे राजा मनस्था परे पहुंची गले निज राज्य रे पात्र मंत्री आमात समस्त के आह्वान करिसन अच्छा बसिला राज सभा Raja Sobhare, Jajati Prasno Bhari Lekole Maha Mantri, Aji Jangala Bhitare Mo Bapanku Dekhili, Mu Emiti Gotiye Puo, Mo Bapa Eporjonto Udhar Labha Korinahanti, Ashcharya Hele Mantri, Kole Apanko Bapa Udhar Hei Nahanti, Tale Kemiti Udhar Hebe, Kemiti, Na Nara Medha Yajna Kole, Mo Bapa Udhar Labha Koribe, एठी गोटे प्रश्न मो भाइना को देबी हां हां जो जजाति हां नहुस उ प्रदात्मा उधार हे नाहंती ना ना तबे कथा आउची ए जजाति जंगल रे बुलू बुलू जो ऋषिंकर दर्शन मिलिला हां से ऋषिंक पाखरे ऋषि भरोसा देले हां जे तमरो यज्ञ निश्चित भाव रे पूर्ण होबो से ऋषि जणों को किए किए जणा दैवज्ञ ऋषि नाटा टिके भाईना बर कहिबे हां जाओ द्वितीय ठाकुर आसीबे हां द्वितीय ठाकुर आसी एक कथाडा कहिबे अच्छा वरण्य संथ समाज हां सभा बसिछ हां सभा भितरे जे आलोचना अच्छा आलोचना बेले मंत्री महोदय कहले बापा ठीक हो हां केमिति महाराज हां आपनकर कार्य निश्चित सफल होबो 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 केमिति होबो केमिति कहले बुलाई ने जनबरे पंचरत्न थाली हे पंचरत्न थाली हे पंचरत्न थाली पुत्र एक मिले जीव नकर भाली भले पुत्रटा निश्चित भाव रे मिलियो हां पंचरत्न थाली ते काई की मंत्री कहले धन देखि जन मन भूली जाय जगत अछि ख्या हां धन पाई लोक माने जीवन दे देबे हां जदि केही जने थिबो निश्चित भाव रे आपनकर बापांकर उधार पय आसी पहुचि ओहो पंचरत्न थाली के बुलेई दियो हमर राज्य रे प्रस्ताव हला गया राजा भंडार खोली दैचन ओ सुवर्ण थाली रे पंचरत्न को रखा जाइछ पंचरत्न को धरी अच्छा बुलुचि आज आपन मानकर दूत जाउछ ओहो एपटे यज्ञ पई मनस्ता पर अछंदि राजा यज्ञ रो आयोजन करा जाउची यज्ञ रो आयोजन पोरे संतान टे मिलिले से संतान यज्ञ कुंड रे बळी पडिबो पंचरत्न थाली के धरे दूत आ गया बुले बुले जाउची अवंती नगर उठिए पडिला आ गया अवंती नगर रे पहुंची छि दूत डाकी डाकी चली छि पंचरत्न थाली के नबो पंचरत्न थाली के नबो ए पट अवंती नगर रे जने ब्राह्मण विष्णु दास ब्राह्मण अच्छा तारो आज्ञा तीनटा पुओ हां मुक्ता नामक रानी अच्छा कृष्ण दास ता परिवार को नै वंचिछि खूब दरिद्र परिवार हां विष्णु दास परिवार दारिद्रता ताको आकर्षण करिछि हां आयो इनकम नाही ना ना ये बार द्वारे बोली भिक्षा करिण आसीबो Say he be charged.
ने पोरा है कुटुंब पोसीबा ब्राह्मण आज भिक्षा मागिबा को जाईची हां घरे रोसी यही ने 3 दिन हला ना ना, ना। पिल्ला तीनोटी हां खाई नाहंती ना मां पाखर आसी पहुंचले हां मार कानी धरी मागि दियंती मालो खाइबा को गंडा दे हां होय तो माटी आज तारो पानी ग्लास ते पेई दिए हां पिले रे बापा जाईचंदे भिक्षा मागिबा पई भिक्षा मागि आसीला पर निश्चित भाव रे मु तो खाइया को देम मां मझिया पो डाकेला कोला मालो मा। तो हांडीटा टिके देखनो कोन टिके थिबो दबु मत मा खाय दे किछि नाही हांडी रे ना ए बरण्य संत समाज हो पूणी पाणी मंदिया देला आहा लातुंडी जागे जाई दांडो रे खेलिले हे भगवान को डाकेला आज मुक्ता दे दे हा कला हे भगवान कहा कु तू ए संसार भीतर कोन न देई हा गरीब करी संसार काहा को जन्म दे ना 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 प्रात स्मरणय गायक रत्न लोकनाथ कर महोदय अच्छा आज तो नाहंती हो किंतु सुंदर लेखाटी कहले गरीब गरीब ये जननी जन्म न करिवो गरीब गरीब जननी जन्म न करिवो गरीब ता स्मरणय लोकनाथ कर महोदय कहि देले हे विधाता हां ये संसार रे गरीब करी काहा को तयारी करे ना गरीबाव केबे सृष्टि करू हां गरीब बोलिए तीनोटी शब्द को उठेले आउ तू रखिबो ना ना काहे कि कोन पाई गरीब कोन ए संसार भीतर एडे हि नि मान हो खाइबा को गंडे पेट को मिलुनी ना ना काहार तो बासी भात फोपडा होउची का पेटु को अन्नंग ने मिलुनी ना ना हे बरण्य संत समाज लोकनाथ कर महोदय को भाषा अनुसार आज सुंदर कथाटे कहिदेले गरीब 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 जननी जन्म न करिवो गरीब गर्भधारी जननी केबे हला संसार न करू गरीब पुत्र झियो को आज जन्म न दउ आउ गोटे सुंदर कथाटे कहिले कर महोदय कहले धनी को पितळ सुना हे धनी को पितळ सुना धनी को पितळ सुना हे सुंदर भाषा टे कहिले हो कहले धनी को पितळ सुना हो दांड रे धनी पो जाउ थबो अच्छा पितळ मुदी टे पिंदितिले भी ये जनसभा ताको आख्यात बना एटा सुवर्ण मुदी सुना जदी गरीब पुटे कष्ट करी रोजगार करी मुदी टे पिंदिला कहले से तो खाइबा को पाउ नथला से सुना मुदी किन पिंदियो केमती ये सुना मुदी हेले भी बेंगे पितळ जाउ हो आजी भाईनका पई गोटे प्रश्न म देछि हां हां से ऋषि जणक किए किए से ऋषि को नाटी कहिबे अच्छा दिते ठाकरे भाईना आसी के पला परिवेशन करिवे हौ चक्का वही ठिकी मन लगा रे मन बगा चक्का वही ठिकी मन लगा रे मन लगा चक्का वही ठिकी मन लगा रे मन लगा द्वार मंडली मोर डेरीबे श्रवण चक्का वही ठिकी मन लगा रे करिथिबे पोरा सत्य नारायण लोका बई ठीकि मन लगाए सुनिले बादीपाला प्रसंग नहुस प्रेतात्मा मुक्तिर प्रथम भागर द्वितीय पर्याय प्रथम भाग एठी शेष हला अहिला वंशर राजा हेउछन्ति जजात अहिला वंश काहे कि बुध जेउ इला कन्यांक सहित संयुक्त होई पुरुरबांकु जन्म करथिले सेही वंशरे नहुस एवं सेही वंशरे जन्म होईछन्ति जजात नहुसंकर ज्येष्ठ पुत्र जति एवं कनिष्ठ पुत्र जजात
किंतु जजाति पारंगम होइथुवारु सेही पितांकर से दयाद होइचंती राजा होइचंती हस्तिनारे तेबे नहुशंकर प्रेतात्मा मुक्ति पाई जे उपाय जे नरमेध यज्ञ जेतेबेले बलि प्रथा को आमे संपूर्ण विरोध करूछु सेतेबेले ए प्रसंग पुरातन प्रसंग केते समीचीन तेबे नरमेध यज्ञ रे अष्टवर्षीय बालक को ब्राह्मण बालक को बलि दिया हैछि ना नाही तहा आमे द्वितीय भाग रे श्रवण करिबा आजि प्रथम भाग को एट शेष करिबा आजि पई विदाय दंतु जय जगन्नाथ। प्रार्थना आमो आनंदर उत्सव।